सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आया था नोएडा हाट में। जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये नोएडा हाट है। मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं सोचा क्यों नहीं नोएडा हाट में चला जाए और नोएडा हाट में देखा जाए कि जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे एक्चुअल में एक एयरिंग लेना था तो मैं सोचा कि क्यों ना नोएडा हाट में चलूँ और वहाँ देखूँ कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें अवेलेबल है। ऐसे अगर आप नोएडा की बात करो या कहीं बाहर सिटी की बात करो, जब हम दिल्ली जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे बाज़ार में अपने बजट की चीज़ें मिल जाता है, लेकिन हाट में ऐसा क्या स्पेशल है? क्योंकि ये नोएडा हाट जो है मोस्टली ये प्रॉपर्टी जो नोएडा अथॉरिटी का है और यहाँ पे एक हाट एग्जीबिशन लगाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे शॉप लगे हुए हैं। तो अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ों का देखते हैं कि कौन सी प्राइस का क्या सामान है, उसकी क्या वैल्यू है, एक्चुअल में वो सामान उस प्राइस को कवर करता है या नहीं, ये सारा चीज़ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। तो हाट में आया था तो एक बहुत खूबसूरत सा शॉप दिखा। मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ जान लेते हैं कि भैया यहाँ पे क्या बेचते हैं। भैया ये क्या चीज़ है? साबुदाने का पापड़ है। साबुदाने का पापड़ है, क्या रेट का है भैया? 50 रुपीज़ का पैकेट है। और ये वाला जो पापड़ आलू के पापड़ हैं वो कैसे हैं? मूंग दाल के है, बढ़िया वगैरह है, अचार है। तो ये सब आप खुद से बनाते हैं? घर का बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ें जो दिख रहा है मोस्टली आप घर से बनाए हुए हैं? 80% जो है होममेड। ओके, और हाइजीनिक वगैरह का लोग देख रहे हैं? बढ़िया होता है। ओके, तो भैया ये बाज़ार में तो सस्ते मिलते हैं, आप इतने महंगे? बाज़ार वाला रेट ही है, अलग नहीं है, बाज़ार वाला ही रेट है। बाज़ार से बल्कि कम ही है। बाज़ार से कम है, इसलिए कम होगा। अच्छा अच्छा, ये बच्चों के भैया कुछ दिख रहे थे मिठाई खाने के लिए, ये क्या है भैया? कैंडी है, ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज कैंडी कितने का है? ये 50 रुपीज़ का एक पैकेट है, 200 ग्राम है। और बाकी भैया ये वाला? ये ग्लूकोज के कैंडी है। ये कितने का? 80 रुपीज़ के हैं। तो देखा, रेट जो है जनरली बाज़ार का ही है, ऐसा नहीं है कि नोएडा हाट में है तो महंगा है ना भैया। कॉमन रेट रहता है, मतलब कोई चीज़ें ऐसी है कि हर जगह मिलती है, पब्लिक को भी रेट पता होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मांगेंगे तो कोई देगा नहीं, देगा नहीं, कॉमन रेट होता है जो, क्योंकि ये चीज़ें हर मार्केट में मिलती है आपको, लोकल मार्केट से लेके मॉल वगैरह सब जगह मिलती है। हाँ, वो चीज़ तो हर जगह मिलता भी है, इसलिए कॉमन रेट रहता है। ऐसा नहीं कि हाट की वजह से ज़्यादा महंगा है, ऐसा नहीं है। तो आपका भैया सेल वोल होता है यहाँ पर? अच्छा लगता है, ठीक है। संडे सैटरडे को होता है, त्यौहार वगैरह पे अच्छा हो जाता है। तो भैया बता रहे हैं कि ये जो हाट है, मैं भी आया था कुछ सामान लेने के लिए तो भैया दिख गया था, मैं इनसे बातें करने लगा, मैं कुछ देख जानकारी लेने लगा कि कौन से क्या रेट का मिल रहा है। तो ठीक, इसी बाज़ार का भी यही रेट है और यहाँ पे भी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट भैया हाथ से खुद होममेड बनाया है ना भैया, घर का बना हुआ है ज़्यादातर। बाज़ार का चीज़ें वही है जो हाथ से नहीं बना सकते, कंपनी वगैरह की होती है जी। तो थैंक यू सो मच भैया, मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा। सो ये थे भैया जिनके शॉप पे मैंने देखा कि ये जो सामान बेच रहे थे वो बिल्कुल जेन्युइनली बाज़ार का ही रेट था और कोई अलग नहीं था। फिर चलते हैं कोई और शॉप पे और वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पे क्या सामान है और किस रेट का है। सो बाज़ार में ओवरऑल जो सामान देखा मैंने वो बाज़ार में जो बाहर मिलता है सेम रेट का है, यहाँ पर भी है, कोई ख़ास फ़र्क वहाँ नहीं लगा। बट एक लेदर के दुकान पर चलते हैं। लेदर के शॉप में आप सबको लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा कि लेदर की चीज़ें बाज़ार में जो मिलता है सो यहाँ मिलता है, उसमें क्या फ़र्क है? हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ऐसे प्राइस मार लेंगे क्या रेट का मिल रहा है। ये नोएडा हाट है जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं और मैं जहाँ पे हूँ, ये नोएडा हाट है जो मंथ में लगते रहता है। तो एक भैया थे यहाँ पे जो बोले थे उनसे बात करने के लिए। तो हाट में आया हुआ था, जाते जाते एक भैया का लेदर शॉप दिख गया। तो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल लेदर के पर्सेस है, तो जान लेते हैं भैया से रेट और ये रेट आप ट्रैक कर लेना बाज़ार में क्या रेट का मिलता है, यहाँ क्या मिल रहा है। तो भैया जी ये जो पर्स है कितने का है? ये भैया 550 का है। ये 550 का है, प्योर लेदर है। ये लेदर के ऊपर लेमिनेशन कर रखी है, ओके, गोट की स्किन का बना हुआ है, जेन्युइन लेदर, इसलिए हमने ना पीछे डेमो छोड़ रखा होता है, ओके, इसके बताने के लिए कि जेन्युइन लेदर है। ये जेन्युइन लेदर है, जेन्युइन लेदर। ये कितने का है? 550 का है। 550 का है ये वाला। और ये गोट का है, ये बफेलो का है, बफेलो की ना स्किन थोड़ी महंगी पड़ जाती है, ओके। तो ये 950 का है। ये 950 का है, मतलब 4-5 साल चलेगा तो ये 8-10 साल चलेगा। अच्छा, ये बफेलो की है। हाँ, इस पे आप पॉलिश भी कर सकते हो, शू पॉलिश जो होती है। अच्छा अच्छा, इसका फेड हो जाता है कुछ साल बाद, ओके, शू पॉलिश कर सकते हो, शू शाइनर मार सकते हो शाइनिंग के लिए, ओके। ये इस पे, हाँ, ये वाला जो भी है लैपटॉप बैग है, जो ये लैपटॉप बैग है आप कॉम्बो में भी ले सकते हो और इसको आप अलग अलग भी ले सकते हो, ओके। 3000 का है ये, थे एक्सपेंड हो जाता है नीचे से, ओके, ओके। रीजनेबल प्राइस है यही, अगर आप इस पे देखिए, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा हैंडीक्राफ्ट से रजिस्टर्ड है, ओके, गवर्नमेंट के अंडर में आता है।
ओके प्राइवेट में अगर कहीं लोगो लगाओ इस पे हाई डिजाइन वगैरह का दाम मिलानों का तो ये बैग आपको 10-15 हज़ार का मिलेगा। ओके और ये वाला? और ये ट्रॉली है कैबिन साइज 4 व्हील। ओके ये 6000। ये 6000 का दोनों कितने का है? दोनों आपके पड़ जाएगा 9000। बाकी हमसे 1000 से ऊपर कोई कुछ भी सामान लेता है उसे 10% ऑफ दे देते हैं। ये आपको 8000 का पड़ेगा प्रॉपर सेट। ओके 5 ईयर्स की गारंटी है लेदर। ओके तो आपको गारंटी कैसे देते हैं? गारंटी मतलब हमारी ये परमानेंट शॉप है यहाँ भी और दिल्ली में। ओके दिल्ली में हमारी जोरबाग बीके दत्त कॉलोनी में। ओके किसी को बल्क में माल चाहिए होता है, होलसेल में माल चाहिए होता है तो वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। बाकी गारंटी आप यहाँ से भी ले सकते हो लेदर की। ओके ओके तो आप जो भी आप ये चीज़ दिखाए आपने ये सब जेन्युइन है? बहुत क्लासी चीज़ है, ऑफिशियल यूज में बहुत अच्छा है। ओके मतलब हम नॉन लेदर भी देते हैं। ओके नॉन लेदर हमारे पास ज्यादा नहीं है। ये ट्रॉली जो है ये नॉन लेदर है। ओके ये लेदर नहीं है, ये बनी हुई है टायर की। ओके टायर को ना मेल्ट करके पिघला के ओके ये ट्रॉली बनाई है। ओके 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 ये खराब नहीं होगी। ओके खराब नहीं होगी। तो ये कितने का भैया? ये 3500 का है। ये वाला नीचे वाला ट्रॉली वो लैपटॉप बैग वो सेम ही है बस कलर चेंज है ग्रीन। ओके 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 काफी कलर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ग्रीन ब्लू ब्लैक। ओके तो भैया ये जो बाजार से जो प्राइस होता है और आपके प्राइस में कितना डिफरेंस है? ये बहुत डिफरेंस है, बहुत। बाजार से आप ये लोगे लैपटॉप अगर आप शोरूम में घुस गए ओके तो वही आपको ये 7-8 हज़ार रुपये का देते हैं। ओके ओके आपके यहाँ 3000 रुपये का है? हमारे यहाँ 3000 रुपये का, उसके ऊपर 10% ऑफ है। तो यहाँ पे जो आपका शॉप है ये हमेशा यहीं रहता है? मतलब परमानेंट शॉप रहती है हमारे यहाँ पे। ओके परमानेंट रहती है मतलब इसे परमानेंट कर दिए, 80% जो लोग हैं यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। ओके बाकी कोई गवर्नमेंट फेयर लगता है कुछ लगता है बाजार वगैरह मेला लगता है तब बाहर से लोग आते हैं, जैसे जो आर्टिजन होते हैं गांव में होते हैं हाथ से काम करते हैं ओके चीज़ें बनाते हैं वो सब आते हैं फिर यहाँ पे। ओके उनका फ्री होता है। अच्छा उनका फ्री होता है? अच्छा उनका फ्री होता है, आपका रेंट देना होता है क्योंकि हम परमानेंट हैं इसलिए थोड़ा बहुत रेंट देना पड़ता है। ओके ओके अदरवाइज आपका परमानेंट शॉप यहीं पर है? बहुत सारे बैग तो अलग यूज वाले बैग हैं आपके। ओके ओके मतलब कोई भी बैग लोगे आप बैग मतलब आपका रखा नहीं रहेगा यूज ही होगा। ओके ओके तो भैया आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी है? हाँ कार्ड है हमारा, कार्ड ले सकते हो। ओके तो आप कार्ड दे दीजिएगा मैं अपडेट कर दूंगा। और जो मेरे कोई सब्सक्राइबर आता है आपके यहाँ शॉप पे तो आप स्टार्ट कुछ डिस्काउंट देंगे? 10% देते हैं मैं आपको, 15%। ओके 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 सो हेलो फ्रेंड आज ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि आज मैंने जो भी बाज़ार में दिखाया वो मेरा कोई मकसद नहीं था, बाज़ार के रिव्यू करने का मतलब नहीं था। मैं तो ऐसे आया था कुछ सामान लेने के लिए तो मैं सोचा को क्यों ना आपको यहाँ के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं किस किस रेट का है। एक दिन और आऊँगा डिटेल में आपको बताऊँगा क्योंकि अभी बाज़ार सीज़न ऑफ चल रहा है तो शॉप उतने चल नहीं रहे हैं और कम क्राउड है तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाया। एक दिन और आऊँगा और पूरे डिटेल में आपको बताऊँगा। बाकी जो भी चीज़ें वीडियो बनाए बनाया था वो एक जेन्युइन वीडियोस थी और जेन्युइन रिव्यू था। भाई को बहुत ज़रूरत है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक बताइए कि मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो फाइनली ख़त्म हो चुका है, उसका कोई नाम निशान अब यूट्यूब पर नहीं है। टी शर्ट भी देख रहे हैं अब उसका कोई नाम निशान नहीं है, फिर दोबारा से स्टार्ट किया हूँ। आप सबकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दिल्ली NCR के हर बाज़ार का रिव्यू करूँगा और डेली ब्लॉग्स में जो चीज़ें हो सकता है मेरे से आप तक ज़रूर पोस्ट करूँगा और आप तक ज़रूर बताऊँगा, जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। तो फिर लास्ट बोल रहा हूँ कि लास्ट जाते जाते बोल रहा हूँ कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। क्या चीज़ें आपको अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आऊँ उसको ज़्यादा ध्यान रखूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज करते हैं।